2024 में अगर आप भी पैन कार्ड बनाना चाहते हैं अपने मनपसंद का फोटो और सिग्नेचर के साथ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड दो तरीकों का बनता है। एक घंटे के अंदर आपको पैन कार्ड मिल जाता है, एक होता है 3 से 4 दिनों के अंदर यहाँ पर पैन कार्ड आपको मिलता है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि अगर आप एक घंटे वाले पैन कार्ड बनाते हैं तो आपके मनपसंद का फोटो नहीं आएगा, जो आधार कार्ड में फोटो है वही फोटो आएगा, सिग्नेचर आपका एक घंटे वाले में नहीं आएगा। ये दो यहाँ पर आपको अंतर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप यही 3 से 4 दिन वाला में बनाते हैं तो आपका मनपसंद का यहाँ पर आपका फोटो आएगा, आप जो सिग्नेचर देना चाहते हैं वो सिग्नेचर आपके पैन कार्ड में आएगा। दोनों में मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आप ये आवेदन कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहाँ पर इस तरह से आवेदन करने में कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी बाई पोस्ट आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे 3 से 4 दिन के अंदर मनपसंद का फोटो और सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड को हम कैसे बनाएंगे, पैन कार्ड कितने दिन के अंदर में हमारे घर मेल तक आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, इसके बारे में भी हम आपको लाइव यहाँ पर डेमो दिखलाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि 2024 में कैसे बनाया जाता है ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर में। अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं और पैन कार्ड बनाने का आईडी आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको अभी मालूम होगा कि यूटीआई के द्वारा नया आईडी मिलना बंद हो चुका है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सी जानकारी हम आपको लास्ट में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको यूटीआई का पैन का आईडी से रिलेटेड आपको डिटेल बताया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आपको पैन कार्ड बनाने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गूगल पर सर्च करना है NSDL पैन ऑनलाइन, फर्स्ट पे जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जा रहा है, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पर न्यू पैन 49A आपको यही इसी पर क्लिक करना है नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। टाइटल में अब यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी, अगर आपका जेंट्स है तो आपको यहाँ पर श्री सेलेक्ट करना है, अगर लेडीज हैं या फिर कोई लड़की है तो श्रीमती सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जेंट्स का पैन बनाना है तो मैं श्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम फर्स्ट नेम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सबसे पहले लास्ट नेम पूछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लास्ट नेम फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतना सारा डिटेल फिल करना है। आई एग्री पर क्लिक करना है, यहाँ पर प्ले, यहाँ पर दोस्तों आपको एक वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन में आई एम नॉट रोबोट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का रिसीविंग आएगा। अब यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल गया है, ये टोकन नंबर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मैं तीनों ऑप्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड E-सिग्नेचर पेपरलेस। हमें यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, हमें EKYC और E-सिग्नेचर के माध्यम से हम यहाँ पर पैन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम अपना पैन बनाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा आता है सबमिट स्कैन इमेज, यानी हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे, जैसे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें सिग्नेचर इस सिग्नेचर से वेरीफाई करेंगे। इसमें हमारा 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ये यहाँ पर आपका 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अब तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको बाई पोस्ट सेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इसके बारे में भी चलिए हम बता देते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर में, अगर 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको यहाँ पर पैन कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर डिजिटल थ्रू यहाँ पर EKYC और E-सिग्नेचर के माध्यम से बनाएंगे, इसमें आपको सिग्नेचर नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप फोटो और सिग्नेचर अपने मनपसंद वाला अपलोड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपका यहाँ पर 3 से 4 दिन के अंदर में मेल पर आपका पैन कार्ड बन करके आएगा। तो फिलहाल अभी हम इसी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें अपना खुद का यहाँ पर सिग्नेचर के साथ यहाँ पर पैन कार्ड हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड हमें चाहिए तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट का 4 डिजिट हमसे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट का 4 डिजिट अब यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आधार नंबर का यहाँ पर आधार पर जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आधार का जो भी नाम है वो फिल कर लेता हूँ।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक सारा डिटेल फिलअप किया हुआ है। जेंडर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। पर हमारा मोबाइल नंबर नहीं फिल हो रहा था, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कोई भी और नाम है तो यहाँ पर यस करके फिल कीजिएगा, अन्यथा आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपना पैन कार्ड में मदर का नाम चाहिए, तो यहाँ पर नो पर हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर फादर नेम फिल करना है, फादर का लास्ट नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यहाँ पर फादर नेम फिल करने के बाद जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस आ जाएगा। और फादर नेम फिल कर लिया, मदर नेम है, यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पर फादर को सिलेक्ट रखेंगे, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इनकम ऑफ सोर्स हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर नो इनकम को सिलेक्ट करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर नो इनकम को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों रेसिडेंस में यहाँ पर आपको टिक करना है। रेसिडेंस टिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में सबसे पहले हम सन ऑफ डालेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पिताजी का भी नाम आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। विलेज हम यहाँ पर अपना विलेज जो भी है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर विलेज फिल करने के बाद पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वो फिल कर लेना होगा। पोस्ट ऑफिस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपना कंट्री, यहाँ पर सिटी, स्टेट यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कंट्री नेम यहाँ पर फिलअप करने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर इंडिया डालेंगे। इंडिया जो डालने के बाद अब यहाँ पर स्टेट आपको फिल करना है। स्टेट फिल करने के बाद पिन कोड आपको फिलअप कर लेना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। जिप कोड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऑफिस एड्रेस को नहीं सेलेक्ट किए हैं, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आ गया। मोबाइल नंबर आप देख लीजिएगा, सही होना चाहिए। यहाँ पर ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर नो रहेगा। नो रहने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो एरिया कोड एओ कोड रहता है ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडियन पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कंट्री यहाँ पर सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके नज़दीकी सिटी आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फैच पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आ जाएगा एरिया कोड, ये एओ कोड एरिया कोड, तो हमको यहाँ पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में हम यहाँ पर आधार कोड डालेंगे। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ में भी हम यहाँ पर आधार को डालेंगे, और यहाँ पर बर्थ प्रूफ में भी हम यहाँ पर आधार को डालेंगे। आधार डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आ जा रहा है हिमसेल्फ हरसेल्फ को सेलेक्ट करेंगे। प्लेस में हम यहाँ पर अपना जहाँ से हम पैन अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जैसा कि दोस्तों हमारा यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर आधार कार्ड, हम तीन चीज़ को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो तीनों चीज़ को हम चलिए स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना फोटो अपलोड किया है स्कैन करके। सेम टू सेम इसी तरह से हमें अपना सिग्नेचर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। सिग्नेचर अटैच करने के बाद अपलोड वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड आपका यहाँ पर PDF में होना चाहिए, 300 KB के अंदर में। हमारा यहाँ पर मात्र 83 KB का है, तो हम आधार को सेलेक्ट करेंगे। आधार सेलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे। अपलोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमारा रेड मार्क है, कोई भी डिटेल हमारा छूटा हुआ है। तो हम एक बार बैक जा करके हम डिटेल को वेरीफाई करेंगे कि हमारा यहाँ पर कहाँ पर छूटा हुआ है। तो हम यहाँ पर सारा चीज़ को मिला ले रहे हैं। अगर आपका कुछ भी छूटा होगा तो आपको यहाँ पर नीचे रेड दिख रहा होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कंट्री कोड यहाँ पर नहीं फिल हुआ था, तो हम यहाँ पर अपना कंट्री कोड को हम यहाँ पर फिल करेंगे मोबाइल नंबर वाले में। मोबाइल नंबर वाले में फिल करने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पर आवेदन सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है। सॉरी, आधार नंबर का यहाँ पर फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर फिल कर लिया था। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर 8 डिजिट को फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर का फर्स्ट 8 डिजिट फिलअप कर लिया है। नीचे आपको सारा डिटेल को मिला लेना है। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो नीचे आइएगा। नीचे आकर के यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर पेटीएम वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे चार्ज काटा जाएगा। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है।
पे कंफर्म वाले पर क्लिक करना है। पे कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको डिटेल आएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर QR कोड आ रहा है, UPI आ रहा है, कार्ड डिटेल आ रहा है। आपको जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिए। चलिए मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब आपको पेज को क्लोज नहीं करना है, एक मिनट तक का वेट करना है, ऑटोमेटिक ये पेमेंट को वेरीफाई करेगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे दोस्तों EKYC करना है, जो कि हमारा यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होता है आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन वो करना है। तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्ले ऑडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्ले होगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑथेंटिकेट वाले बटन पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। अब पर आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, वो OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। अगर गलती से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यहाँ तक प्रोसेस कर देते हैं और वो अपना चेक नहीं करते हैं कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, या फिर OTP आपको नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, या फिर आप OTP डालने में असमर्थ हैं, तो आप इसको बैक यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो भी आपका पेमेंट कटा है, ये पेमेंट आपका ऑटोमेटिक लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, जिस अकाउंट से आपके कटे हुए हैं। जैसे दोस्तों मैंने पर OTP को फिलअप कर लिया, सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक कर लेंगे, हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर कंटिन्यू विद ई सिग्नेचर वाले पर हम क्लिक करेंगे, एक और हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। इससे पहले हमें आधार नंबर को फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के लिए दोस्तों हमारा जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर को फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अभी हम चेकबॉक्स को नहीं टिक किए हुए थे, तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे। एक बार फिर से OTP जाएगा तो OTP को यहाँ पर फिलअप करना है, वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पर OTP को फिलअप कर लिया है, वेरीफाई OTP पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पर सक्सेसफुली पैन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पैन अप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पर दोस्तों ये पासवर्ड बोला जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर पासवर्ड है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ विदाउट स्लैश आप यहाँ पर फिल करिएगा। ओके पर क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पर पैन अप्लीकेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जिसके माध्यम से आप अपना पैन अप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही थी आपकी यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर पैन अप्लाई करने का। 3 दिन का वेट कीजिए, ऑटोमेटिक जो आपने मेल आईडी दिया था उस मेल पर आपका पैन कार्ड बन करके आ जाए। फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर 3 दिन का वेट किया। अभी मैं आपको बता दूं कि ये पैन कार्ड हमने कब अप्लाई किया था। ये पैन कार्ड हमने अप्लाई किया था 11 मई को, यहाँ पर दोस्तों सॉरी यहाँ पर डेट था 9/5/2024 को, 9/5/2024 को हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया था शाम को। और दोस्तों हमारे पास मेल आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने तारीख आज के डेट में मेल आया है हमारे पास 8:07 पर, यानी 11 घंटा पहले हमारे पास मेल आ गया है। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 9 तारीख को शाम को अप्लाई किया था, 10/1 हो गया, 11/2 हो गया, 2 दिन, यहाँ पर 12 तारीख, यानी 3 दिन के अंदर में हमारा यहाँ पर मेल पर पैन कार्ड बन करके आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पैन कार्ड हमारा आ चुका है। ये पैन कार्ड को हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा यह पैन कार्ड का PDF आ चुका है। अब इस PDF को हम पैन कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, हमारा हर जगह ये पैन कार्ड काम करेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी यहाँ पर पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पैन आईडी लेने के बारे में। दोस्तों आपको मालूम होगा कि UTI के द्वारा अभी जो भी UTI का TSL का जो आईडी है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि UTI पैन यहाँ पर लिखते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो इस वेबसाइट का अभी ऑफिशियल आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम आईडी पासवर्ड कैसे लेंगे और यहाँ पर हम कैसे पैन अप्लाई करेंगे, इससे पहले हम जानेंगे कि आईडी पासवर्ड लेने, पैन आईडी वाला लेने का क्या फ़ायदा है। ये दोस्तों फायदे की बात करें तो अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप यहाँ पर पैन कार्ड बना सकते हैं। सिर्फ फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे, फॉर्म भर के स्कैन करके अपलोड करेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका मनपसंद का फोटो आ सकता है, सिग्नेचर यहाँ पर मनपसंद का आएगा। इसमें यहाँ पर 3 से 5 दिन के अंदर में, 3 से 4 दिन के अंदर में मेल पर पैन कार्ड आ जाता है।
क्योंकि दोस्तों अभी मैं स्टार्टिंग में जो भी प्रोसेस बताया उसमें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्टिंग वाला पैन कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पैन आईडी रहता है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, फिर भी आप अपने मनपसंद का फोटो और सिग्नेचर के साथ यहाँ पर पैन कार्ड बना सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने एक वेबसाइट अभी रेडी किया है, pan.onlineprocess.com। इस वेबसाइट पर का सिस्टम क्या है सबसे पहले हम वो जानेंगे। इसमें दोस्तों हम चलिए इसको इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पैन कार्ड अप्लाई यहाँ पर 49A है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमसे यहाँ पर पैन कार्ड का PDF मांगा जा रहा है, जो फॉर्म होता है फॉर्म को अपलोड करना है, इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देना है, डिटेल डालने के बाद दोस्तों एक पैन कार्ड का आपसे 120 रुपया यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। यहाँ पर एक पैन कार्ड का 120 रुपया चार्ज क्यों लिया जा रहा है इसके बारे में भी हम यहाँ पर बताएंगे। अब चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि ये वेबसाइट कैसे वर्क करती है। दोस्तों इस वेबसाइट की हम बात करें तो सबसे पहले आपका ये वेबसाइट है pan.onlineprocess.com। इस वेबसाइट से डाटा अगर आप ऑनलाइन करते हैं, इस वेबसाइट में अगर आप डाटा यहाँ पर ऐड टू कार्ड करते हैं 120 रुपया करके, तो आपका डाटा यहाँ से आएगा ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर यहाँ से अब दोस्तों आपका डाटा को पूरा निकालेगा, डाटा निकाल करके ये खुद से अप्लाई करेगा। पैन कार्ड का UTI का पोर्टल है, उस UTI के पोर्टल पर आपका ये पैन कार्ड ये खुद से अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पर रिसिप्ट आपका जनरेट होगा, ये रिसिप्ट को आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर ले जाकर के आपको अपलोड कर देगा और आप यहाँ से आप अपना रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से पैन अप्लाई कर सकते हैं। यही इसका फंडा है, यही इसका सिस्टम है। अब यहाँ पर 120 रुपये की चार्ज की बात करें तो ये दोस्तों आपका कुछ कम भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि क्या बेस्ट प्राइस होना चाहिए, इस पोर्टल का क्या आपका यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी डाटा होगा ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर बैठेंगे। जो भी ऑपरेटर बैठेंगे इसी पैसे में से आपको कमीशन हम लोग इनको देंगे, अब पेमेंट देंगे ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सके। क्योंकि दोस्तों अगर अभी आप साइबर कैफ़े की बात करें तो साइबर कैफ़े में अभी एक पैन कार्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक पैन कार्ड का आपका प्राइस अभी लगता है 120, ये एक पैन कार्ड का आपका 200 रुपये यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाता है। साइबर कैफ़े वाले यहाँ पर चार्ज लेते हैं या फिर 180 रुपये लेते हैं, इतना ही लेते हैं। अगर आप 120 रुपये भी देते हैं नॉर्मल किसी को भी, तो आपका यहाँ पर फिर भी आपका पैसा बचता है अच्छा खासा, तो आप उस पैसे से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से आप अपना सकते हैं, अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आपको इसके होम पेज पर बता दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ, आपका ये सजेशन मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। यही तो छोटी सी अपडेट दोस्तों, आपको इस वीडियो में वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।